मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, और कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहे हैं। और बकाई जमाने के हर बेनवा से बमांगे दोहर कह दो पर्दा न रखो, पड़े जैसे तुम पर कोई मुसीबत मदीने के दाता को फौरन पुकारो। जात आज की सालाना फातिहा सिलसिले बकाया के बानी बाकी बिल्लाह मजरे कुल मजरे इश्क मावा मर्जा सैदी व सनत रजूत मौलवी मोहम्मद बकाउल्लाह करीमी खादमी सफी निजामी चिश्तीवान के नाम नामी से मुनक्किद हो रही है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब कायनात अपने हबीब के सत्ते में इन मुशायत पर हक के वसीले से इसको अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिन जिन लोगों ने इसमें दामे दर में कदमे सुखने हिस्सा लिया उन सबको इसका बेहतर आज अता फरमाए। अभी आप इसमें मेरे रसूल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र नाते मुस्तफ़ा मनकबर समाप्त फरमाई। बेदीन तकरीरें रोते मौना आप साफुल्ला मिसबाही रोते अल्लामा मौना नबी साफुल्ला आजमी रोते मौना जैनुल्लाहद्दीन साहब से आपने समाप्त फरमाई। अजीजम हाफिज शकील अशरफी जिनसे आपके पनाह मोहब्बत करते हो, सुनने के ख्वाहिशमंद रहते हो, और ये भी अपने अपनी जिंदगी को नबी और आले नबी की शान में नात पढ़ते हुए जिंदगी के हर लम्हात को जीते चले जा रहे हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी और आज भी कहना चाहता हूं, बड़ा अजीब हाल है, नात कहना और सुनना और सुनाना तो नात को पढ़ना तलवार की धार से ज्यादा तेज, और सुनना नबी की सुन्नत, लेकिन हम फर्क नहीं कर पाते कि हम नात किसको कहते हैं, हम्द किसको कहते हैं, मनकबत किसको कहते हैं, गजल किसको कहते हैं, और सब कुछ मिलाकर के हम खिचड़ी बना देते हैं। नात में किसी चीज को शामिल नहीं किया जा सकता, बहुत साफ समझ लीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में 30 पारे हैं, और 30 पारों में मेरे ख्याल 15 पारे ऐसे होंगे जिसमें नबी की नात ही पढ़ी गई है। सिर्फ अपने नबी की तारीफ की है अल्लाह ने। हज़रत मौलाना नबी साहब खुला बैठे हुए आप और मौलाना आबिद साहब वगैरह से पूछ सकते हो, लेकिन उस 15 पारों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की तख्लीक से लेकर किसी चीज को शामिल नहीं किया। अगर ताहा और यासीन कहा है तो सिर्फ ताहा और यासीन ही कहा है, वहां पर किसी को शामिल नहीं कहा। तो वो अल्लाह ने कुरान पाक में नात कही, और दुनिया में सबसे पहले कहने वाली जात पाक का नाम हजरत अबू तालिब है।
और ना गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। दुनिया में सबसे पहले नाथ जिस जात ने कही उनका नाम हजरत अबू तालिब, और हजरत अबू तालिब की तजमीन पर हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नाथ कही। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग नाथ को तमाशा समझने लगे। सही, और हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नाथ पढ़ी तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एहसान हमारी तारीफ किया करो तो हमारे मेंबर पर खड़े होकर के किया करो, उसको नाथ कहते हैं। तो आपने नाथ सुनी, तकरीर सुनी, इस्लाह हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में हमको और आपको सबको इन हजरात की बताई हुई बातों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये फातिहा, मैं बहुत माजरत खां इसलिए कि इस फातिहे से पहले बड़ी मस्जिद में मीटिंग होती थी। सही है, अब की मैं मीटिंग में हाजिर नहीं हो सका, और वो हाजिर इसलिए, बहुत से लोगों को, हमारे पीर भाइयों को परस्पुर में शिकायत है कि साहेब परस्पुर बराबर आया करते थे, जुमे में आया करते थे, पीरजादे आया करते थे, लेकिन भैया नहीं आते हैं। बहुत से लोगों को शिकायत है, मैं समझता हूँ इसको, और आपकी शिकायत जा भी है, लेकिन मैं ये भी साबित कर दूंगा कि ये गलती मेरी नहीं है। गलती हमारी नहीं, इनके इनके पीर से इनको साबित करूंगा। हमारे शेख शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शिदी व हबीब हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुलीम साहबतुल्ला बकाई आसिमी सुमा सफीपुर रिजवान ने बारह हमारे पीर भाइयों के बीच में इशा फरमाया कि चलते चलते थक गए चले न एको कोस, चलते चलते थक गए चले न एको कोस, और लड़के वाले ऐसे भय गए हजारों कोस। तो जाहिर बात है कि उनकी बात रद्द तो हो नहीं सकती। आज वो हजारों कोस नापते नापते हमको खुद नहीं पता कि हम कहां हैं। तो इसमें गलती तो हमारी नहीं, जिनका ये मिशन है उन्हीं के कहने को पूरा कर, उन्हीं के कहने पर चल रहे, उन्हीं का करम हमको चला रहा। कहां चंडीगढ़, कहां बंबई, कहां कानपुर देहात, कहां इटावा, कहां फरुखाबाद, कहां जालौन, 15 नवंबर को निकला, परसों रात में लौटा। आंध्रा, तेलंगाना, अल्लाह जाने कहां, जबकि एक दिन भी मैं घर नहीं बैठता। लेकिन अब उनका कॉल है और वो चला रहे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। और दूसरी चीज, इत्मीनान इस बात का है कि आप अपने शहर के मिशन के वफादार हैं। बेशक, वाह वाह वाह, जो आपके शेख ने, आपके पीरजादे ने आपसे कहा उसको आप भरपूर पूरा करने की कोशिश करते हो, और उसका ये सबूत है कि हम मीटिंग में नहीं आए ना, सही, लेकिन हुजूर दादा मियां साहब कुबला की फातिहा जैसे परसपुर में बड़ी मस्जिद में होती थी वैसे होती रहेगी। हमको आपके इमाम हजरत हाफिज काई रईस साहब ने फोन किया कि भैया आज मीटिंग करना, उनका बिल्कुल करो मीटिंग हुई, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, और ये एक ऐसा अज्र है कि जो आपको हमेशा मिलने वाला है, इसमें खाली नहीं जाएगा कुछ, और इसलिए खाली नहीं जाएगा। अभी मैंने एक बात बताई, हुजूर दादा मियां साहबतुल्ला के साहबजादे का नाम है हजरत अजीमुल्ला शाह रहमतुल्ला अलैह। जब दादा मियां साहबतुल्ला का विसाल का वक्त आया तो हजरत अजीमुल्ला शाह रहमतुल्ला अलैह पहुंचे अपने वालिद के पास और कहा, अपने वालिद को मियां कहते थे, कहा मियां कुछ हमको भी अता फरमा दें। तो हुजूर दादा मियां साहबतुल्ला इशारा फरमाते हैं कि सुनो अजीम,
मेरे पास जो कुछ था वो मैंने अलीम को दे दिया, जो कुछ मेरे पास था वो मैंने अलीम को दे दिया, आप तुमको अगर चाहिए तो अलीम से ले लो। तो हमारे शेख जो लोग हमारे चचा पीर थे, जो हमारे शेख के पीर भाई थे, वो भी अपने पीर की निगाहों से ही हुजूर साहब रहमा को देखा करते थे। उनके मिशन के आप सिपाही, उनके मिशन को आप चलाने वाले हो, तो उनका करम शामिल हाल है। ये परसपुर का अतराफ का इलाका या परसपुर बाजार, हमारे शहर जब तशरीफ लाए कैसा था, आज कैसा है माशाल्लाह। तो करम का ये करम जो है ये बढ़ता रहता है, ये मिलता रहता है। शर्त यह है कि हम वफादार हो जाए, हम अपने आप को सुधार ले जाए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरा शेख सच्चा, मेरे शेख का मिशन सच्चा। मिसाल भी आपको दे दूं, ये मिशन जो गोंडा की सरजमीन से शुरू हुआ, आज इसकी था नहीं है कि कहां तक पहुंच गया। उसी का सबब तो है कि मैं हाजिर नहीं हो पाता हूं। मिशन दावलों में तीन खाना सफिया, अभी आपको मैं ताजी मिसाल बता दूं, कोरोना जैसी वबा की वजह से करीबन 90% मदरसे बंद चल रहे हैं, असाजा को तनख्वाहें नहीं मिल रही। आपका भी मदरसा बंद हुआ जब पहला लॉकडाउन लगा, लेकिन जब हालात बेहतर हुए, मैंने अपने असाजा को बुलाया, स्टाफ को बुलाया, जहां तमाम मदारिस के असाजा को तनख्वाहें मना कर दी गई थी कि तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, मैंने अपने असाजा से बात किया कि आप पढ़ाओ, हम आपको आधी तनख्वाह देंगे, चाहे जहां से ला करके दें, लेकिन आपके बच्चों को हम भूखा नहीं रहने देंगे। हमारे असाजा ने मेहनत की, पिछले लॉकडाउन में भी 6 महीना मदरसा चला, असाजा की तनख्वाहें मिलती रही, मतबख चलता रहा। इस साल भी सफर के महीने से मदरसा खुल गया, अब भी तनख्वाहें मिल रही, किसी का एक पैसा बाकी नहीं आधी तनख्वाहों में, मतबख में खाना कम नहीं पड़ रहा है, जबकि लोग सोचने पे मजबूर हैं कि इस महंगाई के दौर में कहां से पैसा आया, कैसे आया, लोगों के पास पैसा नहीं। लेकिन फिर वही बात है कि यह करम की बात, सरकार मखदूम पाक ने इशा फरमाया कि सफी के चूल्हे की धूप कयामत की सुबह तक हरी रहेगी, और उस दुआ की कबूलियत की जमानत है। ये हमारे शेख का मिशन है। आप सबके हौसलों की कद्र करता हूं, आप सबकी मोहब्बतों की कद्र करता हूं। परसपुर का एक एक बच्चा अगर बुजुर्ग है तो हमारा बड़ा, हम उम्र है हमारा भाई है, बच्चे हैं तो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं और बच्चियां हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं तमाम, इसमें हमारी पप्पू है, हमारी चच्चियां हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, एक रिश्ता है जो हमको हमारे शेख ने अता फरमाया, रिश्ते की डोर को बांध के रखा, और मुझे फख्र है कि इस रिश्ते की डोर हमारी ये मजबूती के साथ दुनिया में भी कायम रहे और आखिरत में भी कायम रहे। तो आप सब ने साबित किया मेहनत से, अपनी लगन से, अपने इखलाक से, इतिहास से, कि हम बुजुर्गों की महफिल इसी तरीके से सजाते रहे। चूंकि इसी फातिहे से ऐलान होता है सफी शरीफ के उर्स का, रजब शरीफ के उर्स का, वो उर्स आकाए वली नेमत हुजूरत शाह खादिम सफी मोहम्मदी सफी रिज़वान का, जिनके लिए हमारे शेख इरशाद फरमाते हैं कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बंदा हूं शेख खादिम सफी का। वो उर्स इंशाल्लाह इस साल हालात बेहतर रहे तो 16, 17, 18 फरवरी 13, 14, 15 रजब को होगा।
मैं अपने ताजदारों की बारगाहों की खाक का इकदना सजदा होने की हैसियत से आप तो आमे हजार को उसमें शिरकत की दरख्वास्त करता हूं। और दूसरा जो एक सबसे जरूरी ऐलान, हमारे शेख ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर मेहनत की तो वो इल्म पर की। अभी मां जाउद्दीन साहब आपसे मुखातिब थे, जैनुलाब्दीन साहब, जरूरत थी इल्म की। और बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिस कुरान पर हम ईमान रखते हैं उसकी पहली आयत ही नाजिल हुई इल्म पर, इकरा कहकर के मुखातिब किया गया, पढ़ो। हालांकि अब लोग कोशिश कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को माशरे में इंकलाब लाने के लिए इल्म बेपनाह जरूरी है। हाफिज शकील वगैरह भूखा में मेहनत कर रहे हैं, आपके परसपुर में मेहनत की जा रही है कि किसी तरीके से बच्चे अगर इल्म हासिल कर लेंगे तो आज हमारे सामने जो माशरे में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। कैसी दिक्कतें? अभी तलाक का मामला गूंजा पार्लियामेंट में, ना जानकारी की बिना पर लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। नामों से रिसालत के नाम पर आका की शान में तौहीन की गई ना इल्म होने की बुनियाद पर। अगर हमारी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा में गुजर रही होती, हमारी जिंदगी में शरीयत मुस्तफा शामिल होती तो कोई भी शख्स आका की शान में गुस्ताखी करके निकल नहीं सकता। ये कमियां हमारी हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम दें वहां दीनी तालीम भी जरूर दें। आजकल बड़े बड़े शहरों में एक ये ट्रेंड चल गया है कि जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनको भी दीनी तालीम दी जा रही है। कोशिश आप भी करिए कि आप अपने बच्चों को मकतब में जरूर भेजिए और उनको दीनी तालीम दीजिए। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, लंगर का एहतमाम भी है, और कल की तारीख में आपके दारुलूम खान सफिया में हुजूर दादा नासरुल्लाह की फातिहा होगी, उसमें भी आपकी शिरकत अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे भी लंगर का एहतमाम होता है। मैं इसको हर साल वाजे कर देता हूँ कि यतीम खाने में चाहे जश्न दस्तारबंदी का मौका हो, चाहे फातिहे का लंगर का मौका हो, कोई में भी एहतमाम में दारुलूम यतीम खाना सफिया का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए कि हमारे शेख इरशाद फरमाते थे कि ये पैसा हमारे लिए सांप बिच्छू से ज्यादा खतरनाक है। दस्तारबंदी का जब जलसा होता है, मेहमानों को खाने का इंतजाम होता है, नजराने का इंतजाम होता है, वो सब आपके जरिए से किया जाता है। ऐसे ही कल की फातिहा में जो लंगर का एहतमाम होता है, जनाब साबिक सदर जनाब हाजी मोहम्मद नईम साहब बकाई के साथ जादे मोहम्मद कमाल बका बकाई उसका एहतमाम करते हैं, और कई पीर भाई हमारे यहाँ पर स्पोर से भी राजू वगैरह शामिल रहते हैं, तो वो लंगर का एहतमाम वहां से किया जाता है। तो यतीम खाने में भी जो लंगर का एहतमाम होता है वो आप जकात फितरे के पैसे से नहीं होता। और ये हमारे शेख ने मिशन बना दिया था कि जब कभी उनको खाना चेक करना होता था तो उसकी पहले कीमत अदा कर देते थे, उसके बाद खाना चेक करते। इतना इसका लिहाज रखा जाता है। इन्हीं बातों के साथ आप सब अच्छे हो, अच्छे रहो, खुश रहो, कामयाब रहो, और इसी तरीके